बचपन से मेरा सपना रहा कि मैं ओलंपिक से देश के लिए मेडल लाऊं। आई होप कि अगले साल टोक्यो में मेरा यह सपना पूरा हो पाएगा। मेहनत करते रहो, फिट रहो। हैप्पी ओलंपिक डे। अभी आपने इस वीडियो में जिस लड़की को देखा, कल तक वो भी आम लड़की थी, लेकिन आज खास है। पूरे देश ने उसे सिर आंखों पर बिठाया हुआ है। उस लड़की का नाम है लवलीना बरगोहाई, जिनकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश के साथ साथ असम का भी सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस वीडियो में आगे हम लवलीना के जीरो से हीरो बनने की कहानी बताएंगे, लेकिन इसके पहले ये बता दूं कि अभी आपने जो वीडियो देखा, उसे लवलीना ने आज से करीब एक साल पहले अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किया था। हर किसी का सपना होता है कि वो जिस भी फील्ड में हो, उसमें अपना और अपने देश का नाम रोशन करे, और जिस खेल से लवलीना ताल्लुक रखती थी, उसके लिए ओलंपिक से बड़ा उत्सव कोई और नहीं हो सकता। इस वीडियो में लवलीना बरगोहाई ने अपने उसी इच्छा को जाहिर किया है, और लगभग एक साल बाद न सिर्फ उन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया, बल्कि बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लेने वाली भारत की युवा महिला बॉक्सर लवलीना बरगोहाई ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का सिर ऊंचा किया है। महिला बॉक्सिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने यह कामयाबी हासिल की है। अपने पहले ही ओलंपिक में ये कामयाबी हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि 23 वर्षीय लवलीना पूर्वोत्तर राज्य असम से ताल्लुक रखती हैं और ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली देश की तीसरी बॉक्सर हैं। इससे पहले विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक 2008 और मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब बात करते हैं लवलीना के जीरो से हीरो बनने के सफर के बारे में। लवलीना बरगोहाई का जन्म पूर्वोत्तर राज्य असम के गोलाघाट जिले में 2 अक्टूबर 1997 को हुआ था। उनके पिता का नाम टीकेन बरगोहाई और माता का नाम मामोनी बरगोहाई है। उनके पिता छोटा मोटा व्यापार करते हैं और अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्हें भी भरोसा वो बॉक्सिंग के क्षेत्र में आ गई, क्योंकि उन्हें लगा था कि इसमें ज्यादा अवसर है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बरपाथार गर्ल्स हाई स्कूल में ट्रायल कैंप लगाया था, जिसमें लवलीना ने भी भाग लिया और उनका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद 2012 से उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया। लवलीना को पहला ब्रेक 2018 में मिला, जब उनका चयन कॉमनवेल्थ खेलों के लिए हुआ। हालांकि इसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन कहते हैं न कि सच्ची लगन और कठोर परिश्रम के बल पर अपने सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। मार्च 2020 में लवलीना ने उज्बेकिस्तान की बॉक्सर को हराकर टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही वो असम से पहली खिलाड़ी बन गई जिसने ओलंपिक में क्वालिफाई किया। बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन के लिए लवलीना बरगोहाई को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। धन्य है वो असम की मिट्टी और उनके माता पिता, जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया जिस